दागरू सेठ ज्वेलर्स जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ आईआईटीएंस रेडियंस क्लासेस जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। आईआईटी जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स डायरेक्टर कैप्टन एके झा लीड एजुकेटर आकाश त्यागी आईआईएससी बेंगलोर। अग्रवाल गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी किड्स वेयर सूट सूट पीस सूटिंग शर्टिंग मेंस वेयर। शराब माफिया का दुस्साहस, थाने के सामने गश्ती कर रहे पुलिस कर्मी को रौंदा, हुई मौत। मधुबनी में बड़ा हादसा, डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, नहाने के दौरान दुर्घटना। मौत का पुल बना रामबाग किला के गेट के निकट बना पुल, बाल बाल बचा बाइक सवार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। दरभंगा में मिला महिला का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए वंडर ऐप का किया गया आकलन, अंतिम दौर की चयन प्रक्रिया में डीएम ने दी पूरी जानकारी। बाल हृदय योजना अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 3 बच्चे चिन्हित, इलाज के लिए भेजा गया राजकोट। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए दर्ज होगी FIR। और दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। एक बार फिर दिखा शराब माफियाओं का दुस्साहस, दरभंगा में शराब माफियाओं ने ले ली एक पुलिस वाले की जान। दरभंगा में भी शराब माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है। गुरुवार की रात 10 और 11 बजे के बीच केवटी थाने के सामने NH 527B पर शराब लदे एक स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने थाने के सामने गश्ती कर रहे एक पुलिसकर्मी को कुचल दिया। इतना ही नहीं, उसे स्कॉर्पियो से घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक आगे ले गया। घायल पुलिसकर्मी को आनन फानन में इलाज के लिए केवटी CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे DMCH रेफर कर दिया। DMCH में घायल जवान की मौत हो गई। मृत जवान की पहचान नेहरा ओपी अंतर्गत पठान कवि गाँव निवासी मोहम्मद सफीउर रहमान के रूप में की गई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। घटना के बाद स्कॉर्पियो के ड्राइवर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केवटी पुलिस को शराब की खेप के गुजरने की सूचना मिली, इसके बाद नाकेबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान शराब लदी स्कॉर्पियो वहां से गुजरी। पुलिस कर्मियों को सामने देखकर स्कॉर्पियो चालक वाहन लेकर तेज रफ्तार से भागने लगा। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया। यह एक सड़क हादसा था। पुलिसकर्मी की हालत गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद जवान को DMCH रेफर कर दिया गया। उसके बाद मृत जवान को गृह रक्षा वाहिनी ले जाया जाएगा, जहां उसे सलामी दी जाएगी। मृतक के साले को 7,000 रुपये दाह संस्कार कार्य के लिए दिया गया। साथ ही परिवार के एक सदस्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी एवं 4,00,000 रुपये मृतक के परिवार को दिया जाएगा। वहाँ जो गार्ड थे उनके साथ में ड्यूटी में बोले दारू गाड़ी आ रहा था, सब सिपाही मिलकर अंदर से बाहर निकल रहे थे, उसी क्रम में जानबूझ के चढ़ाते हुए भाग गया। हम लोग को वहाँ नेहरा ओपी के बड़ा बाबू सूचना किया कि वहाँ जो आपके आदमी थे ड्यूटी में, उनका एक्सीडेंट हुआ, डेथ कर गए। केवटी थाना 55 वर्ष थी उम्र। ये होम गार्ड थी, लगभग 10:30 रात को। ये सफीउर रहमान जी थे, ये मानीगछी थाना के और प्रखंड के रहने वाले मेरे गृहरक्षक थे, जिनकी पदस्थापन यहाँ के केवटी थाना में हुआ था। और कल रात्रि में शराब की गाड़ियों को पकड़ने के क्रम में उनके द्वारा जो है रैश नेग्लिजेंस की तरह चलाते हुए रौंदते हुए इनको जो है घायल कर दी गई, जिसके कारण एक्सीडेंट से इनकी मौत हो गई। अभी हम लोग इनके माटी मजल के लिए 7,000 रुपया दिए हैं और सरकार के प्रावधानानुसार
जो सरकार के संकल्प है और हमारे महासमाज निष्ठा महोदय का जो ज्ञापन दिनांक से जो निर्देश है उसके अनुसार 4 लाख रुपया इनको अनुग्रह अनुदान की अनुकंपा के आधार पर जो अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी और अनुग्रह अनुकंपा के आधार पर 1 जन का गिरक्षक में नामांकन किया जाएगा। मधुबनी में बड़ा हादसा, डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, इलाके में मचा कोहराम। इन दिनों बाढ़ का कहर इस कदर कोहराम मचा रहा है कि हर दिन एक न एक को मौत की नींद सोना पड़ रहा है। फिर से 3 बच्चों की दुखद मौत की खबर आई है मधुबनी से। इसी कड़ी में 3 बच्चे की डूबकर मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे नहाने के लिए बाढ़ के पानी में गए थे और गहरे पानी में जाने के क्रम में डूब गए। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मधुबनी जिले के रहिका थाना इलाके के ककरौल डुमरी गाँव में यह दर्दनाक मौत हुई है। आपको बताते चलें कि दिन में 3 बच्चे आज नहाने के लिए नदी में गए थे, जिसके बाद 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूब गए। बच्चे की मौत के बाद गांव में कोहराम समचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहरहाल रहिका थाने के पुलिस और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों को सांत्वना दी गई है। मृत बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल भेजा है। आप भी रहिए सतर्क, अपने बच्चों को बाढ़ के पानी के करीब न जाने दीजिए। रखिए होश, समझिए अपनी जिम्मेवारी, वरना हो सकता है ऐसा ही हादसा। मौत का पुल बना रामबाग किला के मुख्य द्वार पर टूटा हुआ पुल, बाल बाल बचा बाइक सवार। दरभंगा के रामबाग स्थित टूटे पुल को पार करने की कोशिश में एक युवक मोटरसाइकिल के साथ ही पुल के नीचे जाने लगा। यह तो गनीमत थी कि कुछ लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने सबसे पहले मोटरसाइकिल सवार को निकाला, फिर बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल को निकाल पाने में लोग कामयाब हुए। बताते चले आपको, भरे हुए ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक की वजह से यह टूट गया था पुल कई महीनों पहले। उस वक्त से लेकर अब तक प्रशासन का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और इस मौत के पुल में, रामबाग में टूटे हुए पुल के बीच बाल बाल बच गया बाइक सवार। थोड़ी भी देर होती तो हो जाती अनहोनी। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त, +2 सभी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस मेहता चौक पोस्ट DMC लहेरिया सराय दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023, क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, संपर्क 0627225408, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज आला अधिकारियों के साथ बहादुरपुर अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया। बहादुरपुर अंचल के पिर्री, कुशोथर, हरपट्टी, बरुआरा एवं शहजानपुर का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से राहत कार्य का फीडबैक लिया गया। उन्होंने गंगिया में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया तथा दिए जाने वाले भोजन के संबंध में वहाँ के रसोइया से जानकारी ली। वहाँ उपस्थित कई लोगों ने बताया कि बाढ़ सहाय अनुदान की लिस्ट में उनका नाम छूट गया है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अपने कर्मचारी को भेजकर छूटे हुए लोगों का सर्वे कराकर उनके नाम सूची में जुड़वाने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान शहजानपुर के एक टोला में जहाँ पानी प्रवेश कर गया था लेकिन पॉलीथीन सीट का वितरण नहीं किया गया था, उन्होंने वहाँ पॉलीथीन सीट वितरण करवाने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया। पिर्री पंचायत के सहनी टोला एवं मध्य विद्यालय छपरार में जिलाधिकारी ने सामुदायिक किचन चलाने के आदेश दिए। उन्होंने बसतपुर में पानी की स्थिति की जांच करवाने के निर्देश दिए। DM ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का दिया निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा गया। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते उन्होंने कहा कि सदर अंचल एवं बहादुरपुर अंचल में नए क्षेत्रों में फैलने वाले पानी का आकलन करने में विलंब किया गया है। आज भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि कई जगहों पर सामुदायिक किचन प्रारंभ किया जाना चाहिए था, जिसे नहीं किया गया। बहादुरपुर के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा रवि कुमार ने बताया कि बहादुरपुर के थलवाड़ा, बसतपुर, उघरा, मेकनावैदा, टीकापट्टी, देकुली, हरपट्टी, तारालाही, पिर्री,
प्रेमजीवर सहित 12 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हैं, जहां के कुछ वार्ड में 15 से 20, 25 से 30 घर में पानी प्रवेश किया है। बहादुरपुर अंचल में कुल 20 सामुदायिक रसोई चल रही है, 17 जुलाई से और 11 सामुदायिक रसोई चलेगी। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन सीट का वितरण आवश्यकता अनुसार किया गया है तथा 2-3 जगहों पर टेस्टिंग भी की गई है। जिलाधिकारी ने उन्हें निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों का आकलन कर आवश्यकता अनुसार पॉलिथीन सीट दिलवा दिया जाए तथा जहाँ आवश्यकता है वहाँ कल से सामुदायिक रसोई प्रारंभ करा दी जाए। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि भोजन सबको समय पर मिले। पशु चारा के संबंध में बताया गया कि आज 6 क्विंटल पशु चारा का वितरण बहादुरपुर में करवाया गया है। बैठक में बताया गया कि ओझौल पंचायत के कोठिया और बलवाही ग्राम बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पशु चारा का वितरण करवाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वैसे बाढ़ परिवारों का सर्वेक्षण करवा लेना होगा, जिनके नाम छूटे हुए हैं उनके नाम सूची में जुड़वा देना होगा। यदि 5 से 7 दिनों तक पानी किसी घर के अंदर रहेगा तो उसे GR की राशि देय होगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सर्वेक्षण सूची अद्यतन करानी होगी। दरभंगा में एक घर से मिली महिला की लाश, घर के गेट के चौखट से टंगा हुआ मिला शव, आत्महत्या या हत्या के बीच उलझा मामला। नगर थाना क्षेत्र दरभंगा के अंतर्गत वार्ड नंबर 23 वाजिदपुर पठान टोली के पास घर में मिली एक महिला की लाश जो गेट के चौखट से टंगी हुई थी। नगर थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश घर के अंदर चौखट पर लटकी हुई पाई गई है। लाश मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। मृतका वाजिदपुर मोहल्ला पठान टोली की रहने वाली है। वार्ड नंबर 23 में वही महिला की मृत्यु हुई है। नाम है उसका शाहिदा परवीन, उम्र 30 वर्ष के करीब है। फिलहाल पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। 3 व्यक्ति को इस मामले में नगर थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है, जो उसके ससुराल वाले हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। शराब माफिया का दुस्साहस, थाने के सामने गश्ती कर रहे पुलिसकर्मी को रौंदा, हुई मौत। मधुबनी में बड़ा हादसा, डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, नहाने के दौरान दुर्घटना। मौत का पुल बना रामबाग किला के गेट के निकट बना पुल, बाल बाल बचा बाइक सवार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। DM ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। दरभंगा में मिला महिला का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए वंडर ऐप का किया गया आकलन, अंतिम दौर की चयन प्रक्रिया में DM ने दी पूरी जानकारी। बाल हृदय योजना अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 3 बच्चे चिन्हित, इलाज के लिए भेजा गया राजकोट। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरिया सराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए दर्ज होगी FIR। और दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए वंडर ऐप का किया गया आकलन, अंतिम दौर की चयन प्रक्रिया में DM ने दी वंडर ऐप की पूरी जानकारी। चयन समिति ने की वंडर ऐप की प्रशंसा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM के प्रयास से जिले में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य निगरानी एवं स्वास्थ्य जटिलता के लिए ससमय इलाज की व्यवस्था के लिए चलाए जा रहे वंडर ऐप का चयन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए किया गया है। अंतिम दौर के चयन प्रक्रिया के लिए DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के सचिव सहित 16 सदस्यीय समिति द्वारा वंडर ऐप के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली गई। एनआईसी दरभंगा से ऑनलाइन जुड़े जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने वंडर ऐप के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी समिति को दी। चयन समिति द्वारा वंडर ऐप से संबंधित कई सवाल किए गए, जिनके जवाब जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। चयन समिति ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य निगरानी के लिए वंडर ऐप के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि वंडर ऐप में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका निबंधन किया जाता है, उनकी चिकित्सीय जांच की जाती है तथा चिकित्सीय इतिहास एवं अद्यतन चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन को वंडर ऐप पर अपलोड किया जाता है। इसके लिए चिकित्सकों, सभी एनएम, सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिलाया गया है। इस ऐप में 3 वर्ग निर्धारित है, एक सामान्य गर्भवती महिलाओं के लिए, दूसरी हल्की चिकित्सीय समस्या वाली गर्भवती महिला जिन्हें येलो ग्रुप में तथा तीसरा गंभीर चिकित्सीय समस्या वाली गर्भवती महिला जिन्हें रेड ग्रुप में रखा जाता है। बाल हृदय योजना के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित आरबीएस के टीम ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से 2 बच्चों को चिन्हित किया है। इनमें उम्र 5 वर्ष के खुशवंत कुमार तथा 4 वर्ष के आशु कुमार को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह आरबीएस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने सिविल सर्जन कार्यालय दरभंगा से शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे एम्बुलेंस के द्वारा निःशुल्क राजकोट अहमदाबाद सफल ऑपरेशन के लिए भेजा। इससे पूर्व में एक बच्चे आशुतोष कुमार दरभंगा से पटना जा चुके हैं, जो शुक्रवार को ही पटना से इन दोनों बच्चों के साथ राजकोट सफल ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। इस मौके पर हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केशव किशोर, जिला कोऑर्डिनेटर विवेकानंद सिंह, डॉक्टर शशि शेखर झा, अकील अहमद आदि उपस्थित थे। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा रेलवे विकास परियोजनाओं को ससमय पूर्ण किए जाने हेतु मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लहेरियासराय स्टेशन पर लगभग 2.25 करोड़ की लागत से फुट ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है तथा 8 करोड़ की लागत से 24 यूनिट टाइप 2 एवं 6 यूनिट टाइप 3 क्वार्टर का निर्माण हो रहा है। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि दरभंगा एम्स को ध्यान में रखते हुए गुमती संख्या 23 पर नए आरओबी के निर्माण हेतु विभागीय प्रस्ताव तैयार करने तथा लहेरियासराय स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु सभी निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने शहर के जल समस्या निदान हेतु पंडासराय गुमती से कंगवा गुमती तक लगभग 9 किलोमीटर लंबे नाला निर्माण हेतु विभागीय प्रक्रिया तेज करने के लिए भी कहा। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, नो रीएडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। शराब माफिया का दुस्साहस, थाने के सामने गश्ती कर रहे पुलिसकर्मी को रौंदा, हुई मौत। मधुबनी में बड़ा हादसा, डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, नहाने के दौरान दुर्घटना। मौत का पुल बना रामबाग किला के गेट के निकट बना पुल, बाल बाल बचा बाइक सवार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। दरभंगा में मिला महिला का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए वंडर ऐप का किया गया आकलन, अंतिम दौर की चयन प्रक्रिया में डीएम ने दी पूरी जानकारी। बाल हृदय योजना अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 3 बच्चे चिन्हित, इलाज के लिए भेजा गया राजकोट। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए दर्ज होगी FIR। और दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए होगी FIR।
समाहर्ता दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि अपर समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 65/2020 केस अंचल अधिकारी बहादुरपुर बनाम उदय शंकर यादव एवं वाद संख्या 67/2020-2021 अंचल अधिकारी बहादुरपुर बनाम पूनम देवी में दिनांक 3 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त दोनों वादों में निम्नांकित बिंदुओं पर अनुपालन 2 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संदेहास्पद एवं बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के कायम जमाबंदी 400/874, 11/102 एवं जमाबंदी संख्या 5/182 के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन एवं वर्णित जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ 1 सप्ताह के भीतर अपर समाहर्ता के न्यायालय में अभिलेख के साथ भेजना सुनिश्चित करें। दूसरा, न्यायालय में फर्जी एवं गढ़ा हुआ खतियान की प्रति दाखिल करने के आरोप में विपक्ष उदय शंकर यादव, पेशर शोभित यादव एवं पूनम देवी, पति महेश पासवान के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें। अभिलेख की जांच कर अगस्त 2016 एवं दिसंबर 2017 में पदस्थापित संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप प्रपत्र क गठित कर राजस्व प्रशाखा दरभंगा को भेजना सुनिश्चित करें। अगस्त 2016 एवं दिसंबर 2017 में पदस्थापित अंचल अधिकारी के विरुद्ध भी भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा के माध्यम से प्रपत्र क गठित कर राजस्व प्रशाखा दरभंगा को भेजें। सीएस खेसरा 109 से बने आरएस खेसरा 34 पर बिहार अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमित की गई भूमि को अविलंब नियमानुकूल अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष सांसद दरभंगा गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक के माध्यम से अध्यक्ष और सांसद ने उड़ान योजना अंतर्गत मिथिला के केंद्र दरभंगा से हवाई सेवा प्रारंभ करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी तथा केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट देश का सबसे सफलतम एयरपोर्ट है जो लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। 15 जुलाई तक दरभंगा एयरपोर्ट से 3,15,000 लोगों ने हवाई सफर किया है। बैठक के माध्यम से अध्यक्ष और सांसद श्री ठाकुर ने 4 परत में होने वाले रनवे के कार्य को जल्द पूरा करने तथा टर्मिनल भवन के विस्तार हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। शराब माफिया का दुस्साहस, थाने के सामने गश्ती कर रहे पुलिसकर्मी को रौंदा, हुई मौत। मधुबनी में बड़ा हादसा, डूबने से 3 बच्चों की दुखद मौत, नहाने के दौरान दुर्घटना। मौत का पुल बना रामबाग किला के गेट के निकट बना पुल, बाल बाल बचा बाइक सवार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सामुदायिक किचन का किया निरीक्षण, लोगों से मिलकर राहत कार्य का लिया फीडबैक। डीएम ने बाढ़ को लेकर की समीक्षा बैठक, सर्वेक्षण सूची दुरुस्त रखने का निर्देश, नए क्षेत्रों में पानी का आकलन करते रहने को कहा। दरभंगा में मिला महिला का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए वंडर ऐप का किया गया आकलन, अंतिम दौर की चयन प्रक्रिया में डीएम ने दी पूरी जानकारी। बाल हृदय योजना अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित 3 बच्चे चिन्हित, इलाज के लिए भेजा गया राजकोट। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। तत्कालीन अंचलाधिकारी पर होगी कार्रवाई, फर्जी खतियान गढ़ने के लिए दर्ज होगी FIR। और दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन।